हेपेटाइटिस बी का नाम सुनते ही हम आमतौर पर डर जाते हैं। हेपेटाइटिस बी से बचा भी जा सकता है और इसका बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज भी है। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज सराफ और मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ लिवर डिजीज़ डिपार्टमेंट में मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में, और आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में चर्चा करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो लिवर को अफेक्ट करता है, और आमतौर पे जो वायरस होते हैं ये जैसे हेपेटाइटिस ए या ई, जो जिनको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं अक्सर, ये वन टाइम वायरस होते हैं और बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो बहुत सारे पेशेंट्स में परमानेंटली रेजाइड करता है और धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है। तो हेपेटाइटिस बी के मेन जो स्प्रेड होने के कारण है, एक तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वो ये इन्फेक्टेड ब्लड से फैल सकता है या किसी इन्फेक्टेड नीडल से फैल सकता है अगर स्टेराइल नीडल नहीं यूज़ की जा रही है इंजेक्शन देने के लिए, या स्टेराइल सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ किए जा रहे हैं तो ये इनसे फैल सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्प्रेड होने का तरीका है ब्लड। सेकेंड है मदर टू बेबी, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, तो ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी आमतौर पे काफ़ी टाइम तक साइलेंट रहती है, तो इसके कोई लक्षण नहीं होते, तो अक्सर ये एक इंसिडेंटल टेस्ट पे पता लगता है। कभी कभी इसमें भूख ना लगना, वेट कम होना, थकान रहना, ये माइल्ड लक्षण हो सकते हैं, पर अगर हेपेटाइटिस बी एडवांस हो जाए तो ये लिवर सिरोसिस कर सकता है, लिवर हार्ड हो जाता है, लिवर काम करना बंद कर देता है, और कुछ केसेस में इससे लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी के इलाज आजकल बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसके कुछ एंटीवायरल टैबलेट्स आती हैं जो कि वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती हैं। ये काफ़ी सेफ दवाइयां हैं, दिन में एक बार लेनी होती हैं और इससे ये वायरस पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। पर ये दवाइयां आम तौर पे लंबे टाइम लेनी पड़ती हैं, कई बार कई साल भी लेनी पड़ती हैं, बट अगर ये कोई पेशेंट है इन दवाइयों पे है तो ये वायरस पूरी तरह सप्रेस हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है इसका टेस्ट कराना पहले। अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है किसी का तो उसको इसका वैक्सीन लगाना चाहिए। इसका वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, 95% से ज़्यादा इसकी एफिकेसी होती है, ये 3 डोजेज में लगता है। तो हेपेटाइटिस बी का अवेयरनेस कि ये एक बीमारी है जिससे बचा जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको इसका टेस्ट कराना चाहिए और इसका वैक्सीन लगवाना चाहिए। जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं उनके बेबीज़ को एक हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन होता है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है, ये दोनों लगने चाहिए, और इससे बेबी का भी हेपेटाइटिस बी से बचाव हो सकता है।